हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हम्बल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आज हम जाने वाले हैं एक नई ट्रैक पे जो शुरू होती है पापड़ के हनुमान जी से और जाती है हथनी कुंड तक। तो इस ट्रैक से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है और हम क्या ट्रैक रूट लेने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कीप वॉचिंग हम्बल वर्ल्ड और शुरू करते हैं अपने ट्रैक की जर्नी को। तो ये ट्रैक शुरू होती है पापड़ के हनुमान जी मंदिर से, जो कि विद्याधर नगर वाले एरिया में पड़ता है। और वंस यू रीच देयर यू कैन पार्क योर व्हीकल्स अराउंड द टेम्पल। और ट्रैक का जो रास्ता है वो टेम्पल के लेफ्ट साइड से अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. हाँ तो गाइस, इस ट्रैक पे हमारे साथ चलने वाले हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं इस बार। तो आइए देखते हैं who all are going with us. Hey, Mohit. Rohit. Kuldeep. Abhiram. Aditya. So I think everyone is excited for this trek. और अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं ट्रैक के नज़ारे कैसे लगते हैं। So keep. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Good morning, guys. तो अभी हमें ट्रैक से चलते हुए कुछ 10 मिनट हुए हैं और अभी तक जो रास्ता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगा, और बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया था जहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, तो वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। तो ट्रैक अभी तक तो काफ़ी इजी है और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं आपको रास्ता थोड़ा और क्लियर करता रहूँगा। तो बने रहिए, मज़े लेते रहिए ट्रैक के। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हथनी कुंड के लिए यहाँ पे थोड़े रास्ते के कन्फ्यूजन्स हैं। तो आप जैसे ही अपने एंट्री पॉइंट से सीधे चल के आएंगे और आपको एक स्लोप मिलेगा, जैसे आप उसके नीचे से चलेंगे, अगर आप मेरे को पीछे देख पा रहे हैं, दैट इज़ द स्लोप। उस स्लोप से आपको सीधे आना है और आप जैसे ही वहाँ से चल के आएंगे, आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे हैं, दैट इज़ द पाथ दैट यू नीड टू टेक। तो अभी यही रास्ता हमें लेके आगे चल के जाना है। तो लेट्स सी आगे के रास्ते हमें कैसे लगते हैं, और मैं जैसे जैसे चलता रहूँगा आपको दिखाता रहूँगा। हाँ तो गाइज, अभी मुझे चलते हुए थोड़ा आधा घंटा हो गया है और अभी हम जंगल के थोड़ा बीच में आ चुके हैं और मुझे यहाँ से कुछ नील गाय वगैरह दिख रही हैं। एंड दे आर स्पॉटिंग, आई डोंट थिंक सो दे आर नील गाय, दे आर सांबर। ये तो सांबर है यार। सो अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेट मी ट्राई टू शो यू। किधर गए, मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखाता हूँ। I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. But I गाइज, यहाँ पे अभी थोड़ा ट्रैक का कन्फ्यूजन लग रहा था क्योंकि यहाँ से एक लेफ्ट में रास्ता जा रहा है और एक यहाँ से राइट में रास्ता जा रहा है, जो आपको अभी मैप में मैं इंडिकेट कर दूंगा। तो अभी हमने यहाँ से राइट वाले ऑप्शन को चूज़ किया है, एंड लेट्स सी वो हमें सही पाथ पे ले जाता है। तो बने रहिए, देखते हैं हम सही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। we'll be no hard goodbye.
feels like God were civilized. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to. आ तो गाइस अभी अपने फेलो ट्रैकर से पूछता है कैसा लग रहा है उन्हें. तो भाई मोहित कैसा लग रहा है अभी ट्रैक करके? ब्रो चश्मा तो उतारो ब्रो अभी. रुई तुम बताओ यार अभी वो बोर्ड में नहीं लग रहा. ठंड लग रही है, हमने ठंड को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था यहाँ पे. अच्छा ठंडे हो गए हैं बिल्कुल. ब्रो तुमको जैकेट पहन के आना चाहिए था यार, आज इतनी ठंड है. आई जस्ट विश सन जल्दी से आ जाए. अच्छा और बात जल्दी से ट्रैक खत्म हो कि बहुत ठंड लगती है. ओके कोई नील का आगे मार दे आगे जाना नहीं पड़े. ओके काफी अच्छी ख्वाहिशें हैं यहाँ पे. और आदि कैसा लग रहा है ट्रैक करके? As usual, अच्छा लग रहा है. Excited. Waiting for some better views so far yet. हाँ तो गाइस अभी ऐसा है कि सिर्फ पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ से दिख रहे हैं और बीच में जंगल वाला रास्ता है तो, और वो काफ़ी रेतीला है इसलिए थोड़ा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है. आइए अपने बाकी और दोस्तों से पूछते हैं. हाँ तो कुलदीप कैसा लग रहा है यार ट्रैक करके? ठीक लग रहा है यार भाई, ठीक लग रहा है. घूमने आना होता है हम आ गए. तो कुलदीप का कहना है कि उनको बस घूमने आने से मतलब है जगह कोई भी हो, राइट? यस. और अभिनव कैसा लग रहा है ट्रैक करके भाई? मजा आ रहा है, कुछ नया है. कुछ नया है. अच्छा इससे पहले और कौन सी ट्रैक करी आपने? केदारनाथ वाला जो ट्रैक था. अच्छा अच्छा. ये वीडियो को देख करके गए थे वहाँ पर भी. अरे वाह यार बढ़िया आया था वहाँ पे, काफी अच्छा लगा. आई होप इस वाले में भी मजा है यार अपने को. जरूर. तो गाइस चलिए देखते हैं अभी ये रास्ता हमें कहाँ तक ले जाता है और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं व्यूज कैसे लगते हैं. स्टे ट्यून्ड. तो गाइज अगर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं वो एक वॉच टावर है और ये हमारे ट्रैक के रास्ते में आएगा. और अगर आपको ये दिखता है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आप अपने आप गूगल मैप को खोलिए और उस पर अपने आप को लोकेट कर लीजिए जस्ट टू फाइंड दिस पार्ट. तो चलिए अभी देखते हैं वहाँ वॉच टावर से हमारा जो रास्ता है वो सही दिख रहा है वहाँ से नहीं दिख रहा है. सो स्टे ट्यून्ड. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. तो गाइज थोड़ा अपडेट देता हूँ यहाँ ट्रैक का. तो पीछे जो वॉच टावर हमने देखा था तो उसी वॉच टावर से साइड से एक रास्ता आ रहा है, बस आपको उसको फॉलो करना है. और वो थोड़ा पथरीला वाला रास्ता है सो ट्राई टू फाइंड दैट पाथ. वहाँ पे दो तीन और रास्ते निकल रहे हैं जो मिट्टी वाले हैं. एंड डोंट ट्राई टू क्लाइम द वॉच टावर बिकॉज वो रास्ता आपको अलग जगह ले जाएगा. सो कीप दिस इन माइंड और बस ट्रेल को फॉलो करते रहिए और आप आई होप सही रास्ते पे और अपने कुंड तक पहुंच जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड. अभी वहां चल के हम देखते हैं कि ये रास्ता एग्जैक्टली सही जगह ले भी जा रहा है नहीं ले जा रहा. आप चले जाना चरण मंदिर कहीं भी जाओ. ये सीधा रास्ता अंकल ले जाएगा ना? ये अपने कुंड जाएगा. ये वाला अपने कुंड जाएगा. अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा ना? बीच में पीछे तो कंफ्यूज हो गए हम लोग. अच्छा अच्छा पगडंडी को पकड़ो आ जाएंगे ना. अच्छा. पत्थरों में चलते रहना. अच्छा अच्छा ठीक है. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of?
wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Hi friends, तो अभी हम पीछे एक चट्टान आई थी, उस चट्टान से अभी हम क्रॉस करके आगे चले हैं और ये पूरा अभी पत्थरों वाला नाला है यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल चले आप। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट नीचे थोड़ा ग्राउंड लेवल पे ठीक है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो आप आए तो अपने साथ एक शूज़ अच्छे वाले रखें ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे और यू डोंट लूज द कंट्रोल व्हाइल डूइंग द ट्रैकिंग। तो सही है, अभी बस हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं हाउ द व्यू लुक्स। Stay tuned. कैसी लग रही है चाय भाई? It's good. ठंडी हो गई. Just that it's a little ठंडा. Nice. हाँ भाई मोहित, ट्रैक करके थक गया? नहीं नहीं यार, अभी तो अभी और जान बाकी है. वार्म अप हुआ है अभी तो. सही है. और आदि क्या हाल चाल? ट्रैक करने के बाद? काफी अच्छा. सही है. सर्विंग कर रहे हो आप? सेल्फ सर्विस है. सेल्फ सर्विस है. और भाई अभी तो ऐसा लग रहा है कैब करके चले जाए. सुबह आए थे तो यार काफी ठंडी लग रही थी. हाँ तो गाइस, ये हमने ट्रैक कवर किया है, ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे आने में लग गए हैं. तो अगर आप आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें. और हमने अपनी ट्रैक शुरू कर दी पापड़ के हनुमान जी से, और जैसे ही आप वहाँ से शुरू करते हैं आपको ट्रैक का रास्ता बहुत क्लियर दिखेगा, सीधा रहेगा. थोड़ा रेतीला रास्ता है तो आई थिंक थोड़ा वहाँ पे अलग अलग रास्ते और निकले हुए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है उस चीज़ को. तो उसी रास्ते को आप पकड़ के आइए, और बीच बीच में मैंने कई जगह आपको मार्किंग बताई है कि उन चीज़ों को आप ध्यान रखें. तो आप सीधा उस ट्रैक को फॉलो करेंगे तो ये आप हथनीकुंड पे यहाँ पहुँच जाएंगे. सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ आवर ट्रैक, और आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा. और इस तरह की वीडियोस मैंने और भी बनाई हैं जहाँ मैंने जयपुर के बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट ट्रैक्स को कवर किया है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकेंड नई जगह नई ट्रैक पे. कीप वॉचिंग हम्बलवुड.